दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल इंदौर प्रदेशीपुरा थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा इंदौर की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके बाद टीम द्वारा दिल्ली में उसकी लोकेशन पर सादी वर्दी में घूमकर इंतजार किया। जैसे ही युवक पान की दुकान पर पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर वहीं के थाने पर ले जाकर पूछताछ की गई और उसे इंदौर लाकर न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। परदेशीपुरा थाने का ये पूरा मैटर है, जिसपे एक 376 FIR पंजीबद्ध हुआ था कुछ दिन पूर्व। इसमें जो आरोपी, हमको जानकारी मिली कि आरोपी जो वो दिल्ली में है, तो इसमें हमारी एक परदेशीपुरा थाने की एक टीम गई थी। इसमें इनके नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर रामबाई भट्टी, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रमोद शर्मा और सैनिक मनोज तिवारी, इनके अंदर एक टीम हमने भेजी थी। और इसके बाद फिर इन्होंने टीम ने, खास करके जो सब इंस्पेक्टर रामबाई भट्टी ने, बहुत जो कुशलतापूर्वक आरोपी के बारे में पता रसी की पहले लोकल वहाँ पे। उसके बाद पता चला कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो उस क्षेत्र में वो उसका आना जाना रहता है, तो वहाँ पर एक पुलिस ने जो अपने पूरे जो है रेकी के तहत जो है वहाँ पर एक पान की गुमटी से उस आरोपी को जो है उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए। पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद उसकी जो है गिरफ्तारी की गई और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ हमारे जो टीम है दो दिन वहाँ पहले चली गई थी और उसके बाद फिर पहले उसकी जानकारी ली कि वहाँ पे कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, और उसके बाद फिर पुलिस ने जो पूरी जो उसके बारे में उसके ये जानकारी लेने के बाद फिर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। नहीं, आरोपी वहाँ पे अपना जो है वो काम करता था, वो दिल्ली में ही अपने किसी ऑफिस में काम करता था। उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया।